रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर, सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला। पहले आतंकियों ने काफिले के आगे आईडी से धमाका किया, एक जवान जख्मी। धमाके के बाद काफिले पर आतंकियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे सभी जवान। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा, इलाके में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, एलओसी पर पुंछ सेक्टर में फायरिंग, सेना ने दिया करारा जवाब। कानपुर शूट आउट में बड़ा खुलासा, हत्या के बाद चौराहे पर पुलिस वालों की लाश जलाने की थी साजिश। पुलिस पहुंची तो एक साथ आठों पुलिस वालों के शव, खौफ की वजह से गांव के सारे लोग रहे दूर। गांव में अभी तनाव का माहौल, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। विकास दुबे के खिलाफ हत्या के 5 मामले सहित 60 केस, लेकिन थाने के टॉप 10 अपराधियों में नहीं था विकास दुबे का नाम। मार्च में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 दुर्दंत अपराधियों की भी लिस्ट भेजी थी, इस लिस्ट में भी नहीं था विकास दुबे का नाम। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक सुराग नहीं, पुलिस ने विकास के सर 50,000 की इनामी राशि को बढ़ाकर 1,00,000 किया। विकास दुबे के साथ 18 अन्य आरोपी की तलाश भी जारी, सभी के सर पुलिस ने रखा 25,000 का इनाम। लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर से 2 इन्वेस्ट कार जब्त, पुलिस को नहीं मिले गाड़ियों के कागज। विकास दुबे केस में इलाके का बिजली लाइनमैन भी जांच के घेरे में, पुलिस के गांव पहुंचने से ठीक पहले बिजली काटने पर सवाल। पुलिस के मुताबिक नेपाल फरार होने की कोशिश कर सकता है आरोपी, नेपाल बॉर्डर पर लगाए गए गैंगस्टर के पोस्टर। देश भर में कोरोना का विस्फोट जारी, पहली बार 24 घंटे में करीब 25,000 नए केस, 613 मौत से दहशत, कुल मामले 6,73,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज, 24 घंटे में अभी तक के सबसे ज्यादा 7,074 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 2,00,000 के पार, अब तक 8,671 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार, 24 घंटे में 55 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कुल मामले 97,000 के पार, 24 घंटे में 2,505 नए मरीज सामने आए। कोरोना के राहत कामों को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक, कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। 7 राज्यों के काम को लेकर हुई बैठक, प्रधानमंत्री बोले लोगों की सेवा के लिए बीजेपी राजनीति में आई। आप सबने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है, ये सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिए मंत्र, बोले ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना। ऐसे अपने कई साथियों ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनका दुखद निधन हो गया। मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। पीएम मोदी ने कहा, देश के युवा ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे ऐप बनाने में आगे आए, मैं करूंगा ज्वाइन। जेपी नड्डा बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया राशन, 22 करोड़ से ज्यादा खाने के पैकेट्स बांटे। चीन को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला जारी, लद्दाख सीमा की जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। मोदी के चीन का नाम न लेने पर कांग्रेस ने फिर दागे सवाल, कपिल सिब्बल बोले तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, एलओसी पर पुंछ सेक्टर में फायरिंग, सेना ने दिया करारा जवाब। दिल्ली में देर रात जमकर हुई बारिश, तरबतर हुए राजधानी के कई इलाके। देर रात 2:30 बजे दिल्ली में अचानक बदला मौसम, धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भर गया पानी, लेकिन सुबह 5 बजे के बाद से रुकी हुई है बारिश। बारिश से दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, आज भी दिन भर बारिश जारी रहने का अनुमान। मुंबई में रुकी बारिश, कल रुक रुक कर हुई बारिश ने मायानगरी में दिखाया था लॉकडाउन का असर।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।